क्या आपने दो रंग के समंदर देखे हैं? क्या एक समंदर का रंग दो तरह का हो सकता है? क्या समंदर के पानी में कोई दीवार हो सकती है? बेशक ये सवाल सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आप भी अपने आप से यही सवाल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं क्या बात है। दोस्तों, हमारी दुनिया कई सारे चमत्कारों से भरी पड़ी है। एक ऐसा ही चमत्कार अलास्का की खाड़ी में देखने को मिलता है, जहां दो विशाल समंदर आपस में तो मिलते हैं, लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट में इन समंदरों से जुड़े तमाम वीडियो और फोटो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें देखा जा सकता है दो विशाल समंदर आपस में मिलते हैं, लेकिन इन दोनों समंदर के पानी का रंग बहुत ही अलग है। यह नजारा वाकई में चौंकाने वाला है और इस नजारे को देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है कि इन दोनों समंदर का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता है, आखिर इसका रहस्य क्या है। क्योंकि इस नजारे को देखकर तो यही लगता है कि कुदरत ने पानी के बीचों बीच कोई लक्ष्मण रेखा खींच दी हो। दोस्तों, हम जानते हैं पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से पर जमीन और 70% हिस्से पर जल मौजूद है, तो वहीं भूभाग देशों की अलग अलग सीमाओं में तो वहीं समुद्र भी अलग अलग सीमाओं में बटा हुआ है, जिन्हें आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, धरती के दो महासागरों की सीमाएं ऐसी हैं जो आपस में मिलते हुए भी बिल्कुल साफ अलग अलग नजर आती है। वैसे इसकी असल वजह काफी दिलचस्प है, जब आप जानेंगे तो और अधिक हैरान होंगे। जी हाँ, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलन का यह नजारा दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि इन दो महासागरों का पानी आपस में घुलता मिलता नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग अलग रंगों में नजर आता है। यहाँ से गुजरने वाले पानी के जहाजों से यह नजारा देखा जा सकता है। आसमान से देखने पर तो यह सीमा और भी अद्भुत नजर आती है। दरअसल यह एक ग्लेशियर से आने वाला हल्का नीला पानी तो दूसरा दूर समंदर से आने वाला गहरा नीला पानी, साथ ही इन दोनों के मिलन स्थल पर झाग की तरह एक दीवार साफ नजर आती है। वास्तव में दोनों का पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने की एक खास वजह है। वैज्ञानिकों का मत है कि यह पानी के घनत्व और उसके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है। तमाम शोधों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व और उनमें मौजूद लवण और तापमान के अलग होने के कारण यह दोनों पानी आपस में पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं। प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने के कारण हल्का नीला और नमक रहित होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी काफी खारा होता है। इन दोनों महासागरों का पानी ऊपरी सतह पर भिन्न घनत्व होने के कारण नहीं मिल पाता, और जब यह पानी आपस में टकराते हैं तो कुछ झाग पैदा होता है, और यह झाग पानी के ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है। यह नजारा वाकई दुनिया को चौंकाने वाला है। दुनिया के कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़कर देखते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यह दोनों महासागर कहीं ना कहीं आगे जाकर आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं। बस समुद्र के ऊपरी सतह पर अलग अलग घनत्व वाले पानी के टकराने से पैदा होने वाली दीवार दोनों महासागरों के अलग होने का अनोखा नजारा पेश करती है। अगर अलास्का की बात करें तो अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को सिर्फ $70,00,000 में खरीद लिया था। तभी से अलास्का अमेरिका का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्कार।